हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए आरआरबी एलपी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूँ। ये वीडियो का पार्ट नंबर 9 है। यदि आप इसका एस लगाए तो आज तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यदि आप रेलवे एलपी टेक्नीशियन 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सीधे प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा देख कर बताइए। सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, कभी उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा तो कभी उसके परमाणु क्रमांक के बराबर। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा होती है। ठीक है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उनका परमाणु क्रमांक समान परंतु उनकी परमाणु भार भिन्न हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके चलिए नेक्स्ट, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं बताइए दोस्तों। किसी तत्व के समस्थानिक जो होते हैं किन गुणों के कारण भिन्न भिन्न होते हैं, तो राइट आंसर रहेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं बताइए दोस्त, क्या कहलाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आइसोटोन होते हैं क्या होते हैं फ्रेंड बताइए, समान संख्या वाले न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। ओके चलिए नेक्स्ट, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिसमें बताइए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न, परमाणु क्रमांक भिन्न परंतु परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न होते हैं, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न होते हैं परंतु न्यूट्रॉन संख्या समान होती है बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न होते हैं परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है इसलिए समन्यूट्रॉनिक बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट, 36 Kr 86 37 Kr 87 क्या कहलाएंगे बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर रहेगा समन्यूट्रॉनिक, यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो आप 86 में से 36 घटाकर देख लीजिएगा और 87 में से 37 घटाकर देख लीजिएगा, दोनों में आएंगे 50। ठीक है, 50 आएंगे मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या जो है ना वो 50 आएंगे, तो इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा आपका सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, रेडियो धर्मिता नापी जाती है किसके द्वारा नापी जाती है दोस्तों बताइए। तो राइट आंसर रहेगा गीगर मूलर काउंटर द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत बार रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए फ्रेंड। राइट आंसर रहेगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया द्वारा, मतलब अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों बताइए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड टेलर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। ओके चलिए नेक्स्ट, रेडियो धर्मी पदार्थ में किस दौरान परिवर्तन नहीं होता बताइए दोस्तों, किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता। राइट आंसर गामा किरणों के उत्सर्जन से कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, गामा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट, निम्न रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है राइट आंसर रहेगा रेडियो सोडियम, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण की गति नहीं करते हैं कौन सी है? माध्यम के कण जो है गति नहीं करते हैं कौन से हैं? राइट आंसर रहेगा विकिरण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है बताइए दोस्तों, तो राइट आंसर रहेगा पारा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है दोस्तों, कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इसमें से कोई नहीं बताइए। राइट आंसर रहेगा अधिक होती है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता से अधिक होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अधिक होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है बताइए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा विखंडन से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विखंडन प्रक्रिया से बहुत ही हानिकारक विकिरण पैदा होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सौर ऊर्जा का स्रोत है बताइए दोस्तों, कौन सौर ऊर्जा का स्रोत है, राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, सूर्य भगवान की जो रोशनी होती है उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जिसके कारण उसमें अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है दोस्तों बताइए, मंदक की तरह किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, राइट आंसर रहेगा 17 मीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ओके दोस्तों ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है बताइए दोस्तों, किस सिद्धांत पर आधारित होती है रडार की कार्य प्रणाली, राइट आंसर रहेगा रेडियो तरंगों का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए बताइए दोस्तों, राइट आंसर रहेगा 1/10 सेकेंड से अधिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्यों बताइए, तो राइट आंसर रहेगा इसका बोतल के बाहर का तापक्रम, यहाँ पर दिया गया आपका, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें जमने दिया जाता है तो बिल्कुल टूट जाती है क्यों, यहाँ पर ऑप्शन, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्यों, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है इसका कारण क्या है दोस्तों बताइए, बताइए फटाफट, पाइप में पानी जमने पर फैल जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन के अनुसार है ये। चलिए नेक्स्ट, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ एक छोटा सा स्थान, यहाँ पर दिया गया है दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है, वो क्यों छोड़ा जाता है दोस्तों बताइए, बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है हमारा प्रश्न, क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर सिकुड़ती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ओके चलिए नेक्स्ट, किसी झील की सतह का पानी जमने ही वाला है, झील के बीच में जल का तापमान होगा बताइए दोस्त, राइट आंसर रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जल जीव क्या हो जाते हैं दोस्तों बताइए, जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी भाग ही परत जमता है, ठीक है, जल का केवल ऊपरी भाग ही जमता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ओके चलिए नेक्स्ट, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा, पहले नीचे होता है थोड़ा ऊपर आएगा थोड़ा नीचे आएगा क्या होगा दोस्तों बताइए, चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ओके चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्टी है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी पानी में डूब जाती है क्यों दोस्तों बताइए फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होती है तथा पारे से कम होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें 30 प्रश्न दिया गया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।